नमस्कार, मैं हूं फरहान और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने सुबह बात कही थी कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी महाराष्ट्र चुनावों को लेकर के। जिस तरह से फेरबदल हुआ है, समीकरण बदल गए हैं, सरकार किसकी बननी चाहिए थी और सत्ता पर कौन है, तो उसको लेकर के संसद में आज एक बड़ी बहस होनी थी। और मैंने यह भी कहा था कि शायद सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कर लिए होंगे, लेकिन वही शायद भूल हो गई। और वहाँ पर जिस वक्त कांग्रेस के सदस्य लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे थे, पोस्टर्स लेकर गए थे और सरकार की जो नीति रही महाराष्ट्र को लेकर के, तो यही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो यहाँ हीबी इडेन और टीएन प्रतापन की मार्शलों के साथ हाथापाई हो गई, यानी धक्का मुक्की हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई और यह विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ स्थगित करना पड़ा, सदन को ही स्थगित करना पड़ा, उस चर्चा को स्थगित करना पड़ा। तो ऐसा हमने पहले ये सुबह ही कब कहा था कि यह चर्चा बहुत लंबी होने वाली है, यह बहस बहुत बढ़ जाएगी। और हमने सवाल भी किया था अपने दर्शकों से कि क्या यह बहस होनी चाहिए, क्या इस बहस का कोई परिणाम निकलेगा। तो आखिर यही हुआ कि लोकसभा में इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया और स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, वहाँ पर क्या कहा गया, अनुसूचित जाति के लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास के विषय में सवाल उठाए राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अहम मुद्दा यह नहीं है, अहम मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार महाराष्ट्र में हुई है, इस पर बहस होनी चाहिए, मुद्दा यह है और इस पर ही फैसला होना चाहिए। यही हुआ राज्यसभा में भी, वहाँ भी सदन को में इस चर्चा को स्थगित कर दिया गया जब बहस शुरू हुई महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के। हम आपको एक बार फिर बता दें कि महाराष्ट्र में जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन करके सरकार बनाने वाली थी, देर रात यह पूरा तय हो गया था। मंत्री पद के बंटवारे भी होने लगे थे कि किसको कितने मंत्री मिलेंगे, किस दल को कितने मंत्री मिलेंगे। यहाँ कांग्रेस को 12 मंत्री का प्रस्ताव दिया गया था और जो कि कांग्रेस ने मंजूर कर लिया था। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस और शिवसेना आपस में गठबंधन करने को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति में थी, वह कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। एक लंबी चर्चाएं चलती रहीं, लंबी कई बैठकें हुई, अहम बैठकें हुई, उसके बाद जाकर के दोनों दलों ने तय किया कि वह गठबंधन करके भाजपा को बैकफुट में रखेंगे। लेकिन आधी रात में ही राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई। इसको लेकर काफ़ी रोष है विपक्षी पार्टियों में। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, बिना किसी को बताए आधी रात में कैसे राष्ट्रपति शासन हट सकता है। हमने इसके विषय में भी चर्चा की है अपने पिछले प्रोग्राम में, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गर्म है। जिस तरह से धोखा दिया गया है, जिस तरह से अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल किया, रातों रात चोरों की तरह राष्ट्रपति शासन हटा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुझे पता था कि इसमें बहुत बड़ी बहस होने वाली है संसद में और वह हाथापाई तक पहुंचेगी। इसलिए मैंने अपने पहले प्रोग्राम में कहा था कि इस हाथापाई को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता हैं। यही हुआ कि हीबी इडेन और टीएन प्रतापन की वहां धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई मार्शल्स के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इस सदन में इस बहस का कोई एक परिणाम निकलेगा? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार रहेगी या गिर जाएगी? क्या इसका असर झारखंड के चुनावों में पड़ेगा? इस संबंध में अपनी राय आप हमें अवश्य दे सकते हैं। यदि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें और हमें ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति खेली है और धोखे से सरकार बना ली है, क्या इसका असर झारखंड में दिखाई देगा? क्या झारखंड के मतदाता इसके विपक्ष जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस नीति के बाद मजबूती प्राप्त होगी? इस संबंध में हमें अपनी राय आप अवश्य दें। और यदि हमसे कोई ऐसा विषय जो देश के लिए हितकारी है, महत्वपूर्ण है, हमारी विविधता के लिए ज़रूरी है, हमारे सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी है, तो उस मुद्दे को भी आप हमें मैसेज करके या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं और हम उस मुद्दे पर प्रोग्राम भी करेंगे यदि वह देश के लिए वाकई में आवश्यक हुआ तो। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।